इजरायली नेवी ने हिजबुल्ला के रॉकेट के हमले को नाकाम किया। नौसेना ने आसमान में ही रॉकेट को नष्ट कर दिया। इजरायल ने सीरिया में भी ऑपरेशन चला रखा है। दक्षिणी सीरिया से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। IDF ने कहा कि ये वो शख्स है जो ईरान के साथ संपर्क में था। इजरायली सेना ने दक्षिणी लबनन में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। बड़ी मात्रा में हथियार और गोले बारूद बरामद किए गए। लबनन के शहर सिरोन में भी इजरायली सेना ने हवाई हमला किया। बमबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। पिछले 2 हफ्ते में इस क्षेत्र में इजरायली सेना का ये तीसरा हमला था। इस बीच इसराइल के PM नेतन्याहू ने कहा कि लेबनन में IDF के ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद हिजबुल्लाह को बॉर्डर से पीछे हटाना है, तभी इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसी बीच इसराइल का हमास पर भी हमला जारी है। दक्षिणी गजा के खान यूनुस में रॉकेट के हमले में 4 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने यह हमला तब किया जब लोग एक टेंट के बाहर जुटे हुए थे। इजरायली हमले की वजह से तबाह गजा पट्टी में रोजमर्रा की चीजों की भारी कमी हो गई है। बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.